हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सिलॉग से रिलेटेड है, जो कि आपको हिंदी में इसको कहते हैं न्याय निगमन। तो फिर यहाँ पे इसके हम करेंगे बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि आपके रेलवे के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आपसे एक या दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और जो अदर एग्जाम भी है उसमें भी आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो उसमें आप गलती ना करें, आपके जो नंबर है पूरे के पूरे मिले, क्योंकि जो पार्ट है रीजनिंग से रिलेटेड है और इसमें बिल्कुल सिंपल अगर ये पार्ट है आपका, जो कि आपके इन लेवलों में आता है। तो इसी के रिलेटेड शुरू करेंगे आज का हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दो तीन बातें। तो देखिए, यहां पर आपका एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, एक दो तीन जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, उसके बाद उनका दिया जाएगा निष्कर्ष, मीन्स कंक्लूजन। ठीक है, अब उस कंक्लूजन के हिसाब से, अब आपको कंक्लूजन जो है एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है। ठीक है, उस कंक्लूजन के हिसाब से हमको आंसर निकालना होता है जो भी सवाल में पूछा गया है। जैसे मान लीजिए हम जिस सवाल को अब करेंगे, वहां पूछा जाएगा आपसे अनुसरण करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हमको अनुसरण देखना है कि फॉलो करता है या नहीं करता है। यहां पर देखिए, ऑप्शन जो है उत्तर है वो आपको इन तौरों में छांटने होते हैं। यदि पहला जो कंक्लूजन है वो आपका फॉलो करता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट छांटना है, यदि सेकेंड अनुसरण करता है तो छाटना है, दोनों अनुसरण करते हैं तो पांच छाटना है, दोनों ही नहीं करते तो चार छाटना है, और जो ऑप्शन तीन है ये है आपका, या तो ये पहला सही हो या फिर दूसरा सही हो। आप मान नहीं सकते, 50-50 चांस होता है, या तो पाली इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, तो आपको ऑप्शन थ्री जो है चूज करना होता है। सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं कि एक जो आपका जो कंक्लूजन होता है, या तो वो ट्रू होता है या आपका फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स में क्या है कि अगर आपका 100% आप कह दें कि वो जो बात कही गई है आपकी कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, वो बिल्कुल सही है 100%, तो आप उसको ट्रू मानते हैं। यदि वहां पर मान लीजिए 100% आप कह दें कि ये फॉल्स है, अनुसरण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो आप लगाते हैं वहां पर फॉल्स। और एक तीसरी कंडीशन निकल के आती है, वो होती है आपकी डाउटफुल कंडीशन। डाउटफुल मतलब संदेह कंडीशन। इसमें क्या होता है, 50-50% चांस होता है। कैसे 50-50% चांस होता है कि आप मान लीजिए कह ही नहीं सकते कि वो होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे अब कोई मैच चल रहा है, आप कह नहीं सकते, और कांटे का मैच चल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं लास्ट बॉल तक कि ये मैच वो जीतेगा या जीतेगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं, और जब डाउटफुल में रहते हैं तो हम इसको मानते हैं कि अगर आपका 1% भी आपको लगता है, 1% से कम या 1% भी लगता है कि ये आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर 99% या 99.99% भी आपको लगता है कि डाउटफुल है, तो आप उसको डाउटफुल में लेके चलते हैं। अब जो डाउटफुल कंडीशन है ये आती किसमें है, तो देखिए फॉल्स और डाउटफुल जो है ये आपका नेगेटिव वेरी करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या करते हैं, नेगेटिव, मतलब इसको आप गलत ही मान के चलेंगे। नेगेटिव जो है आपका, जो डाउटफुल कंडीशन है उसको आप फॉल्स ही मान के चलेंगे। सिर्फ ओनली ट्रू जो है ये आपका पॉजिटिव कंडीशन होती है, जिसमें आप सिर्फ इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, मतलब इसको आप अनुसरण करते हैं में मानते हैं, और इन दोनों को अनुसरण नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते उसमें मानते हैं। अब हम इन चीजों को समझेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट देखिए, जो भी आपको यहां पर दिया गया है कि सभी किताबें पेंसिल हैं, अब आपको मान के चलना है कि सभी किताबें जो हैं पेंसिल हैं। अब ये आप ये नहीं कहें कि किताबें पेंसिल नहीं होती हैं, तो ये आप बिल्कुल भी ना मानिएगा। जो आपको स्टेटमेंट में दिया गया है वो बिल्कुल सही है, आप वो मान के चलिए। सेकेंड जो लाइन है वो है इसकी, कोई पेंसिल चट्टान नहीं है। एंड थर्ड है, कुछ चट्टाने पत्थर हैं। और इसके बाद आपको दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के निष्कर्ष, तो आपको यहां पर पता लगाना है कि कौन सा फॉलो करता है, जो कि आपको आंसर में टिक लगाना है। अब यहां पर जो स्टेटमेंट है उसको आपको बनाना होगा वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल विधि है, सबसे सिंपल स्टेप है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला वेन डायग्राम। तो सबसे पहले जो इसने स्टेटमेंट में कहा है वैसा वैसा हम करते हैं। इसने कहा सभी किताबें क्या है, पेंसिल हैं। अब एक सबसे पहले नाम आता है हमारे सामने निकल के किताबें का, या किताब का कुछ भी आप ले लीजिए, किताब का हमारे पास सामने नाम निकल के आता है। तो हमने एक ऐसा गोला यहां पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये गोला है क्या, ये गोला मान लीजिए आप अपने दैनिक जीवन में मांग चलिए, यह आपका प्लॉट है। किसका प्लॉट है, किताब का प्लॉट है। और ये जो प्लॉट है, ये सारा का सारा जो भी प्लॉट है, ये किसका है,
पेंसिल का है, किसका है फ्रेंड्स, पेंसिल का। और जब पेंसिल का ये प्लॉट है तो हमने क्या किया, इसको प्लॉट के पेंसिल का जो प्लॉट है ये वाला, इसके अंदर इसको बना लिया, क्योंकि इससे दिख रहा है कि तो पेंसिल का जो प्लॉट है उसके अंदर ही किताब का प्लॉट है, ये हमने यहां पर निकाल लिया। अब कहता है कोई भी पेंसिल, कोई पेंसिल चट्टान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा का पूरा पेंसिल का जो प्लॉट है जिसपे पेंसिल ने अपनी रजिस्ट्री करा रखी है कि मेरा ये प्लॉट है, तो इस पर जो है चट्टान का कोई भी हक नहीं है। चट्टान कोई नाम आदमी है, उसका कोई भी हक यहाँ पर नहीं है। तो इसने पेंसिल ने मना कर दिया चट्टान से कि भाई तू मेरे प्लॉट में नहीं आएगा, ना पैर रखेगा ना कुछ करेगा, ठीक है। तो इसका इससे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब चट्टान का यदि पेंसिल से कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई हुई पड़ी है, तो उसका किताब से भी कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि किताब जो है वो पेंसिल का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि कुछ चट्टाने क्या है, पत्थर है। चट्टान का कुछ हिस्सा, अब चाहे वो 1% हिस्सा हो, चाहे वो 99.99% हिस्सा हो, वो क्या है, पत्थर है। अब यहां पर आप एक छोटा सा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं हम वेन डायग्राम में, तो आप एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए जो कि क्या हो, आपका पत्थर हो, ठीक है। तो हमने एक यहां से वेन डायग्राम बना लिया। अब हम चलते हैं इसके कंक्लूजन पर। तो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो है आपका कुछ पत्थर किताबें हैं। अब देखिए ये पत्थर का पार्ट ये रहा, किताब का पार्ट ये रहा। अब देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये तो आपका किताब हो नहीं सकता, क्योंकि पेंसिल और चट्टान में तो हुई पड़ी है लड़ाई, और जब पेंसिल और चट्टान की लड़ाई हो गई तो ये दोनों है दोस्त या भाई, तो इन्होंने किताब की भी ऑटोमेटिक लड़ाई चट्टान से हो गई है। तो अब ये वाला पार्ट तो पत्थर जो है वो किताब हो नहीं सकता। अब ये जो भार वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये अब किताब है नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। हो सकता है ये वाला पार्ट जो है किताब का दोस्त हो या भाई हो या रिश्तेदार हो, तो ये तो हो सकता है, तो आप इसको मान के सकते नहीं है या फिर कह नहीं सकते डायरेक्ट कि ये है या नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन खड़ी होती है तो हम इसको हमेशा लेके चलते हैं डाउटफुल कंडीशन, ठीक है। 50-50% चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है कोई पत्थर किताब नहीं है, कोई भी पत्थर किताब नहीं है। अब देखिए वही चीज यहां आती है कि ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये किताब है या नहीं है, आप कह नहीं सकते। पर ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, ये तो किताब नहीं है, ये तो कंफर्म है, 100% ट्रू है कि ये वाला जो पार्ट है वो किताब नहीं हो सकता। पर ये जो बाहर वाला पार्ट है, क्योंकि कोई की मतलब क्या होता है, कोई का मतलब कुछ सारे के सारे, कि एक भी भाग, 1% भाग, 0.0% भाग भी कोई भी किताब नहीं है, तो यहां पर इस पार्ट के बारे में हम नहीं कह सकते। तो ये भी क्या हो गया, आपका डाउटफुल हो गया। अब यहां पर देखिए कि दोनों जो कंक्लूजन है जो आपके यहां पर दोनों डाउटफुल है, मतलब फॉल्स में आपके ये आ गए, मतलब ये फॉलो नहीं करते। पर यहां पर एक चीज इंपोर्टेंट याद रखने की क्या है कि देखिए कुछ पत्थर किताबें, पत्थर किताबें, एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, तो आप यहां पर देखिए दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव है और दोनों ही डाउटफुल कंडीशन में है। तो हम यहां पर जो यूज करते हैं ऑप्शन वो होता है आपका आइदर और का। आइदर और का मतलब या तो ये या तो ये, मतलब जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका आंसर में, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, तो वो हम यहां पर चूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे, मैंने आपको थोड़ा बेसिक डिटेल में यहां पर समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए कि कुछ दरवाजे क्या है, टेबल है, कुछ टेबल पॉट है और सभी पॉट डिश है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम। तो देखिए मैं यहां पर जो वेन डायग्राम बना रहा हूं तो यहां पर एक इनिशियल में लिख दूंगा, जिससे इनिशियल से हमको समझने में आसानी भी हो जाएगी। देखिए कुछ दरवाजे, मतलब मैंने यहां दे लिख दिया, दे का मतलब हो गया दरवाजे। कुछ दरवाजे क्या है आपकी, टेबल है, तो हमने यहां पर बना लिया कुछ दरवाजे क्या है आपकी, टेबल है। कुछ टेबल पॉट है, तो ये वाला जो पार्ट है हमने ऐसे बना लिया कि कुछ दरवाजे क्या है, पॉट है। अब कहता है सभी पॉट डिश है, मतलब ये पॉट का जो ये वाला भाग है, ये जो भाग है पॉट का पूरा किस में आता है, डिश में आता है। ये हमने यहां पर वेन डायग्राम बना लिया। बस वेन डायग्राम बनाते वक्त छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, आपका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। निष्कर्ष पे चलते हैं। तो कुछ डिश दरवाजे हैं। अब देखिए डिश का जो पार्ट है वो तो ये रहा और दरवाजे का पार्ट ये रहा। अब आप टेबल को एक बार भूल जाइए, तो देखिए इन दोनों में डिस्टेंस है, आप दोनों में संबंध नहीं निकाल सकते कि आपस में ये रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। और जब रिलेट नहीं करते डायरेक्ट, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट जो है डाउटफुल कंडीशन बन जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो है कुछ डिश टेबल हैं। अब कुछ डिश टेबल हैं, अब देखिए जब ये वाला पॉट वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, मैं आपको पेन चेंज कर देता हूँ एक बार यहाँ पर, अगर आपको ये दिखता है कि छोटा सा हिस्सा कि ये वाला, ये जो पॉट का जो हिस्सा है ये अगर टेबल है तो पूरा का पूरा जो पॉट का जो प्लॉट है वो तो डिश का ही है। और जब पॉट कुछ टेबल है तो जब पॉट जब टेबल है तो डिश भी ऑटोमेटिक टेबल में आ ही जाएंगी। मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका ट्रू है, फॉलो करता है 100%। तो आपका जो आंसर है यहां पर ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा कि जो कंक्लूजन है ऑप्शन नंबर 2 वो फॉलो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका क्या कहता है, कुछ रस्सियां छड़ियां हैं, कुछ छड़ियां छड़ हैं और कुछ छड़ क्या है, पुल हैं। तो जैसा जैसा कहा गया है वैसे वैसे वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। तो देखिए मैं एक थोड़ा बड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या कहता है, कुछ रस्सियां, तो यहाँ पर ये हैं आपकी रस्सियां, ठीक है रस्सियां। उसके बाद कहता है कुछ रस्सियां क्या है, आपकी छड़ियां हैं, तो ये हमने बना लिया छड़िया का प्लॉट कि छड़िया वाला आदमी जो है उसका कुछ हिस्सा जो है रस्सी में आता है। कुछ छड़िया छड़ हैं, अब ये कुछ वाली छड़िया जो है वो क्या है, आपकी छड़ है। फिर कहता है कुछ छड़ क्या है, पुल है। कुछ छड़ क्या है, पुल है। अब ये हमने यहाँ पर वेन डायग्राम बना लिया, कुछ 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 सब समय सम का चल रहा है और सब पॉजिटिव है। देखिए सम का और पॉजिटिव का अगर जो रोल है उसमें जो आपके निष्कर्ष निकलते हैं वो आपके क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं, वो आपके फॉलो नहीं करते। तो एक आंसर आपका यहाँ से निकल जाता है पर फिर भी हम निष्कर्ष लेके चलते हैं, मांग के चलते हैं। तो देखिए कुछ पुल छड़ियां हैं, पुल और छड़ियां निकाल सकते हैं रिलेशन, नहीं निकाल सकते, इतना तो आप समझ गए होंगे अब तक, तो ये डाउटफुल कंडीशन है। कुछ छड़ रस्सियां हैं, अब छड़ और रस्सियां इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो ये भी डाउटफुल कंडीशन है। और जब दोनों ही डाउटफुल कंडीशन है, दोनों में वर्डिंग अलग अलग है, तो ये दोनों जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं कि कोई भी फॉलो आपका नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए सभी कुर्सियां मैट हैं। अब मैं यहाँ लगातार एक साथ बताता हूँ कि सभी कुर्सियां, अब ये जो पार्ट है ये है आपका कुर्सी का, तो ये जो सभी कुर्सियां हैं ये भैया मैट की हैं। मैट कहता है कि भाई तू सारे की सारी मेरी है। अब मैट है जो कुछ मैट का हिस्सा, अब इस मैट का ये वाला हिस्सा जो है ये ले लिया खिड़की ने, किसने ले लिया, खिड़की ने, कि भाई तेरा कुछ हिस्सा मेरे पास है। अब कहता है सभी खिड़कियां जो है, अभी जो खिड़कियों का जितना भी पार्ट है ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये रैक का है, ये थोड़ा गोला ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर गोले से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए कुछ रैक मैट है, अब रैक का हिस्सा मैट में आ रहा है नहीं आ रहा, जब खिड़की देखिए कुछ खिड़की का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मतलब मैट है, तो खिड़की तो सारी सारी रैक की है, और जब खिड़की रैक की है तो खिड़की का जो पार्ट मैट का है वो भी रैक का होगा ही, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, फिर कहता है कुछ खिड़कियां क्या है, कुर्सियां हैं। अब देखिए खिड़की और कुर्सी, अब यहां पर खिड़की और कुर्सी में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, और आप निकाल भी लेते हैं मान लीजिए रिलेशन, तो आपको उसको कंफर्म नहीं कर सकते, तो ये आपकी किस में आ जाएगी, डाउटफुल में आ जाएंगी। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये ही आपका फॉलो करता है, तो ऑप्शन 1 जो है आपको वहां पर चूज करना होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका देखिए स्टेटमेंट, कुछ प्लेट घर है। अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, देखिए ये वाला कुछ प्लेट, अब कुछ प्लेट है तो कुछ का पार्ट हमने यहाँ पर ले लिया कि कुछ प्लेट जो है आपके घर हो गई। फिर कहता है सभी के सभी घर जो है कमरे हैं, तो यहाँ पर हमने एक और एक पार्ट खींच लिया कि सभी घर, घर को लेते हुए सभी घर क्या है, कमरे हैं। अब कहता है कुछ कमरे हथौड़े हैं, तो मतलब ये जो कुछ कमरे हैं वो क्या है, हथौड़े हैं। अब यहां पर हमने कथन स्टेटमेंट को हमने वेन डायग्राम में बदल लिया है। अब हम निकालते हैं निष्कर्ष, तो देखिए कुछ हथौड़े प्लेट हैं, अब हथौड़े आपका देखिए ये रहा प्लेट ये रहा, अब रिलेशन कहां निकालेंगे, रिलेशन आप इसमें निकाल नहीं सकते, और जब रिलेशन नहीं निकाल सकते तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, हमारी डाउटफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट में सॉरी आपका कंक्लूजन है वो क्या है, कुछ रूम प्लेट हैं। अब रूम यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में है तो रूम की जगह आप यहाँ ले लीजिए कमरे, ठीक है ना, हिंदी में सो कमरे ही कहते हैं, कि कुछ कमरे क्या हैं, प्लेट हैं। अब देखिए कमरे का जो ये पार्ट है प्लेट में आ रहा है, क्योंकि जो घर है ये भी किस में आता है, प्लेट में, और सारा का सारा जो घर है, ये सारा का सारा ये घर जो है वो किसका पार्ट है, ये आपके कमरे का पार्ट है, तो ऑटोमेटिक वो प्लेट का भी हिस्सा हो गया, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां पर जो कंक्लूजन का आंसर जो निकलेगा कि ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो आपका पूरा का पूरा फॉलो करता है, 100% दिखाता है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस अभी पांच किए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे रेलवे में पूछे जा रहे हैं, या इसके समकक्ष जितनी भी भर्तियां होती हैं वो में आप में इसे ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है बहुत सिंपल पार्ट है, विद इन 10 to 15 सेकंड में करने वाला पार्ट है। आप यदि इसमें प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतने लिए आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में आपको वहां पर कई किताबें मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप अन्य स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।